सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहते हैं कि अगर ईडी इतना इडियट कब से हुआ पता नहीं, उनको सारे फौजों को साथ में लेकर चलना चाहिए। आज तो जख्म हुए, अगले तारीख खून भी हो सकते, तो इसके लिए सतर्कता बरतते हुए ईडी वालों को और ज्यादा फौज को शामिल करते हुए किसी के खिलाफ दाबोच करना या किसी को हिरासत में लेना, कोई संपत्तियों को बरामद करना, जो भी कदम उठाए, साथ में भारी भरकम सिक्योरिटी फोर्सेस को लेना चाहिए, ये मैं जरूर कहना चाहते हैं। क्योंकि बंगाल में ये सारे आदि है, आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर खत्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें, मुझ जैसे लोगों के लिए ये अचरज की बात नहीं होगी। दो दिन भी घटना घटे गए।